फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट्स पढ़ रहे हैं। यूनिट्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है क्या वोल्ट, जिसे कहा गया जूल पर कूलम। क्या बोला गया? जूल पर कूलम। एंड जूल पर कूलम को ही क्या बोला गया? वोल्ट बोला गया। फ्रेंड्स, एक लॉ होता है जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, से बोला जाता है ओम्स लॉ। क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ। सपोज कीजिए कोई एक वायर है, इस वायर से कोई करंट फ्लो हो रहा है, कितना आई। इस वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था क्या? रेजिस्टेंस के अनुसार, क्योंकि ये मेटल का बना होता है और किसी भी मेटल के पास क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। सपोज कीजिए ये वायर से करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। और ये जो वायर है इससे करंट फ्लो हो रहा है कितना? आई। इस वायर के दोनों एंड्स को किसी एक बैटरी से क्या कर दिया गया है? कनेक्ट। और इसी बैटरी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल। यानी जब भी किसी वायर को उसके दोनों एंड्स को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो वहां से क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। और ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था? रेट, यानी ओम्स लॉ में बोला जाता था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ऐसे लिखा गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फिर से प्लट दिया जाता है, वी को लिखा जाता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब भी इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऐड होता है, वी इक्वल टू, वो कांस्टेंट क्या है? आर। वो कांस्टेंट क्या है फ्रेंड्स? आर। तो फॉर्मूला आ गया वी इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर कैपिटल आर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर हमसे पूछा कोई कि बताइए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का यूनिट क्या होता है, तो हमें फाइंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आया है वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, V बस तो I इंटू R। इस तरह समझ जाते हैं V का यूनिट होता है वोल्ट, I का यूनिट होता है एम्पियर, और हमें R का यूनिट निकालना है। R का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर को लिखा कैसे गया सर? V डिवाइड बाई A, एंड V डिवाइड बाई A को बोला जाता है ओम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ओम। ऐसे सिंबल में लिखा जाएगा ओमेगा से। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है फ्रेंड्स? ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, यानी वोल्ट पर एम्पियर। फ्रेंड्स, कोई पूछे कि बताइए रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस होता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, रेजिस्टेंस होता है एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को कह सकते हैं जिससे होकर चार्ज का फ्लो इजी होता है, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी अपने से होकर बहने वाले करंट को क्या करता है? रजिस्ट करता है, रोकता है, उसे ही क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। एंड रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आया? वोल्ट पर एम्पियर, और इसे क्या बोला गया? ओम बोला गया है, सिंबल में लिखा गया ओमेगा। ओके सर, आप इसे नोट डाउन कीजिए। एक वर्ड होता है जिसे बोला जाता है कंडक्टेंस। क्या बोला जाता है?
कंडक्टेंस आप लोग क्लास 10th में जरूर पढ़ा होंगे, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जी से। ऐसे बोला जाता है जी को होता है 1/r, जी को होता है फ्रेंड्स 1/r, जी मींस कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, resistance of the conductor, it is the reciprocal of resistance of the conductor is called conductance of the conductor. First question bataiye, find unit of conductance of conductor. कोई पूछे कि बताइए कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स जी इक्वल टू होता है 1/r, ऐसे जानते हैं आर का यूनिट होता है ओम, क्या होता है स्टूडेंट यूनिट ओम, ओम को इसे ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा ओम इनवर्स, ऐसे उल्टा करके लिख दो इनवर्स है तो उल्टा करके लिख दो एन एच ओ, तो फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट यूनिट क्या हो गया मो, क्या यूनिट हो गया मो मो, जैसे लिखा जाए सिंबल लिखा जाए तो ओम इसे ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा ओम इनवर्स, क्या बन जाएगा ओम इनवर्स, तो हमारा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या आ गया मो, या इसे कह सकते हैं ओम इनवर्स। ओके सर, अब इसे नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सपोज कीजिए अगर कोई कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है एल है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, जब इस प्रोपोर्शन से आप घटाएंगे तो एक कांस्टेंट टाइप होगा, उस कांस्टेंट को किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा रो, क्या बोला जाएगा इसको रो, तो रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है जो आप लोग क्लास 10 में जरूर पढ़े हैं। आगे क्वेश्चन क्या रो एल बाई ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, क्या बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है रेजिस्टिविटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, क्या होता है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। सपोज कीजिए हम लोग इस यहां से एल का वैल्यू यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या ले लें 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें 1 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ ले लें 1 मीटर एंड एरिया ले लें 1 मीटर स्क्वायर, देन हमारा रो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आर के। स्टूडेंट्स आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ वी टेक लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज 1 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी यानी रो, रो को बोला गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को लिखा गया इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ एल इज यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ओके सर, अब से नोट डाउन कीजिए, अगर कोई हमसे पूछे डिफाइन यूनिट ऑफ रो, रो का यूनिट क्या होगा, रो का यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स आर इक्वल टू रो एल बाई ए। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं आर का यूनिट होता है ओम, रो का यूनिट हमें निकालना है, एल का यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया कैंसिल, ओम का यूनिट निकालना होता है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रो का यूनिट हो गया ओम मीटर, कितना हो गया स्टूडेंट्स रो का यूनिट आ गया ओम मीटर।
तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। वर्ड होता है जिसे कहा जाता है कनेक्टिविटी। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? कनेक्टिविटी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोला जाता है सिग्मा। क्या बोला जाता है? सिग्मा। क्या बोला जाता है? सिग्मा यानी कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स कनेक्टिविटी होता है सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity। resistivity के उल्टा को क्या बोला जाता है? कनेक्टिविटी बोला जाता है। आंसर पूछा define यूनिट ऑफ सिग्मा। सिग्मा के यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? सिग्मा को लिखा जाता है 1/ρ। अभी हमने चेक किया रो का यूनिट होता है ओम मीटर। जैसे ऊपर ले जाओगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नोट डाउन कीजिए। सपोज कि दो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू, ये रहा दूसरा चार्ज, पहला चार्ज क्यू वन दूसरा चार्ज क्यू टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? एक्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर। इस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब दो चार्जेस एक दूसरे के नजदीक रखे होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है फ्रेंड्स? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया फाइंड यूनिट ऑफ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं एफ का यूनिट हो गया न्यूटन, के का हमको यूनिट निकालना है, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, दूसरे चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और डिवाइड बाय लेंथ का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। हमें के का यूनिट निकालना है तो इन सारी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स ये दो चार्ज था क्यू वन एंड क्यू टू, इनके बीच का डिस्टेंस था एस। सपोज कीजिए इनके बीच में कोई भी मीडियम रखा हुआ है, मीडियम सपोज करते हैं मीडियम इस केस में क्या है? एयर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एप्सिलॉन नॉट से, यानी एयर है, यानी एयर अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एप्सिलॉन नॉट से। क्या बोला जाता है इसे? एप्सिलॉन नॉट, या इसे कहा जाता है परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर कोई मीडियम है इसे रिप्रेजेंट किया गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एयर है, अगर एयर के अलावा यानी अदर देन कोई अदर एयर है, यानी अदर देन एयर तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एप्सिलॉन से। किसे? एप्सिलॉन से। यहाँ पर नोट नहीं लगेगा, ऐसे बोला जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये बताता है कि दोनों फोर्सेस यानी दोनों चार्जेस से अगर ये मीडियम एयर है तो उसके बीच में कुछ अलग फोर्स होगा, और कोई अदर मीडियम है तो उन दोनों चार्जेस के बीच में अलग फोर्स होगा। यानी कि परमिटिविटी बताता है कि दोनों चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स लगने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्सेस लगने वाला है। स्टूडेंट्स, ए का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर के लिए, इसके लिए फोर फॉर एयर के लिए के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर अदर मीडियम। हमसे पूछा कि बताइए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है, फाइंड द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, फाइंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं के इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम चाहे तो एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों एक ही जगह पे इससे सेम लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स समझ जाते हैं 4 पाई का कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है। के का यूनिट अभी भी निकाले थे, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो वस्तु आ गया 1/ε0। हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का यूनिट आ गया कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एक वर्ड होता है जिसे बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसे लिखा जाता है एप्सिलॉन आर। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तुम्हें पूछा जाएगा कि फाइंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर, हमें एप्सिलॉन आर का यूनिट निकालना है। स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स अभी देखें कि दोनों का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है, ऊपर का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, अभी देखें कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे भी यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका मतलब स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वांटिटी जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है वैसे क्वांटिटीज को बोला जाता है क्या, रेशियो। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, रेशियो। रेशियो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास कोई भी यूनिट्स नहीं होता है, यानी यूनिटलेस क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, रेशियो बोला जाता है। यानी रेशियो इज दैट फिजिकल क्वांटिटीज that physical quantity which has no units, यानी कोई भी यूनिट्स नहीं होता है, यानी कि रेशियो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके पास कोई भी यूनिट्स नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एक वर्ड होता है कैपेसिटर, क्या वर्ड होता है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर। स्टूडेंट्स अभी हमने
ये दो वर्ड सुना, एक सुना चार्ज के बारे में और एक सुना हमने पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल के बारे में चार्ज को लेकर आगे क्यू से एंड पोटेंशियल को लेकर आगे किससे स्टूडेंट्स वी से। स्टूडेंट्स जब भी कोई सपोज कर लीजिए क्या है हमारा कंडक्टर, क्या है स्टूडेंट्स कंडक्टर, इस कंडक्टर को आप जितना चार्ज दोगे इसकी पोटेंशियल उतना ही क्या होगा इंक्रीज होगा। आप जितना चार्ज बढ़ाओगे इसके सरफेस पे यानी कंडक्टर के सरफेस पे आप जितना चार्ज बढ़ाओगे इसकी पोटेंशियल उतना ही ज्यादा क्या होगा फ्रेंड्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी क्यू यानी चार्ज और चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्या होता है फ्रेंड्स पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स इस प्रोपोर्शन को जब भी घटाओगे तो एक वर्ड यूज होगा जिसे बोला जाएगा सी। तो क्यू इक्वल फॉर्मूला हो गया कितना फ्रेंड्स सी इंटू वी। इससे को बोला जाता है कंडक्टेंस, क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स कैपेसिटर, क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स कंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि कंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब होता है कैपेसिटी, क्या होता है स्टूडेंट्स मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या ऐसे करो कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, आप लोग नाम सुनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने क्लास 9th में आप एक वर्ड का नाम सुनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नाम सुनाएंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस वर्ड का आप लोग नाम भी जरूर सुने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या स्टूडेंट्स इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड द एनी स्टैटिक चार्ज, यानी किसी भी स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ के रीजन को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या स्टूडेंट्स स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यानी चार्जेस एट रेस्ट, यानी चार्ज जो कैसा हो एट रेस्ट पे हो, तो वैसे चार्ज को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई स्टैटिक चार्ज इस पॉइंट पे रखा जाएगा तो उसके चारों तरफ एक रीजन तैयार होगा, उसी रीजन को क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। इस रीजन के अंदर अगर किसी अदर चार्ज को लाया जाएगा तो उस पर क्या काम करेगा फ्रेंड्स फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा फ्रेंड्स फोर्स काम करेगा। तो रीजन अराउंड द एनी स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच which impose इसके आगे लिखते हैं which impose effects on any other charge, जो इफेक्ट इम्पोज करता है किसी भी अदर चार्ज के ऊपर, इम्पोज यानी इफेक्ट इम्पोज करना, इसका मतलब यह स्टूडेंट्स फोर्स अप्लाई करना। सपोज कीजिए एक चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ इस रीजन को क्या बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, इसे लिखा गया स्टूडेंट्स ई से। जब भी इस चार्ज के बाजू में अगर कोई भी चार्ज क्यू लेके आया गया तो इस पे एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज नथिंग बट एफ इक्वल टू फॉर्मूला हो गया, ऐसे लिख लो कि लिखा गया E equal to F divided by Q, F divided by Q, क्या लिखा गया friends? F divided by Q, suppose कीजिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है friends? X, कितना है friends? X, क्या है friends? X, अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे students, कि जब भी दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक हो तो उस पर एक फोर्स लगता है and that force is equal to K Q1 Q2 by R square। इसका मतलब students यहाँ पे फोर्स क्या बोला जाएगा,
k q1 q2 divided by x square and divided by q. q से q क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया था, हमारा फार्मूला हो गया k q divided by x square, k q divided by x square, k q divided by x square. स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया फाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि e इक्वल टू होता है f divided by q, f का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम. न्यूटन पर कूलम को ही स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है. क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, ऐसे कह लो न्यूटन पर कूलम कह लो, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन पर कूलम. क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन पर कूलम. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए. स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कि हमारा क्या है, एक वायर, क्या है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग, ऐसे लिखिए कंडक्टिंग वायर, यानी इस वायर से ये करंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फ्लो हो रहा है. स्टूडेंट्स जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है और उस फील्ड को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा डेफिनेशन आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा. तो जब भी हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं क्या, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो क्या इंपोज करता है स्टूडेंट्स, विच इंपोज फोर्स ऑन अदर कंडक्टिव मटेरियल, विच इंपोज फोर्स ऑन अदर कंडक्टिंग मटेरियल, विच इज इन इट्स पेरिफेरी, जो इसके कहां हो स्टूडेंट्स, पेरिफेरी में. तो क्या कहेगा स्टूडेंट्स, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, which impose force on other conducting material which is in its periphery, जो इसके periphery में हो उस पे क्या लगाएगा students, force लगाएगा. ये यू कह दे कि उस conductor पे, conducting material पे, ये यू कह सकते हैं on charge पे. ये एक point यहाँ पे लिखा सकता है और charges के ऊपर, किसके ऊपर students, और charges के ऊपर क्या लगा सकता है students, force लगा सकता है. तो students suppose कीजिए यहाँ पे कोई चार्ज क्या है q, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स. अच्छा एक बात और बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे स्टूडेंट्स, बी से. मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे स्टूडेंट्स, बी से. और मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी था स्टूडेंट्स, वेक्टर. और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, वेक्टर. स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से चार्ज फ्लो होता है यानी करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है.
और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पर निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसका यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे यूज क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, अब अपने राइट हैंड को इस तरह सीधे थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को क्या किधर रखें स्टूडेंट्स, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये हमारा फिंगर्स होगा, यानी चारों फिंगर्स वो रिप्रेजेंट करेगा किसको स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। आप इसको ऐसे माइंड कर लीजिए, तो ये हमारा राइट हैंड को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा, इस हाथ को ऐसे कर्ल किया, तो कर्ल करने के बाद स्टूडेंट्स कैसा डायरेक्शन आया, कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से, यानी कि अंदर की तरफ। कैसा है फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे देखिए हमारा डायरेक्शन किधर जा रहा है, हमारा आर्म किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, अंदर। तो इस पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया स्टूडेंट्स, इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया स्टूडेंट्स, इनवर्ड। यानी जब भी क्रॉस देखा जाता है तो क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे चेक करोगे तो किधर आया स्टूडेंट्स, देखिए आउटवर्ड। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन हो जाएगा कैसा स्टूडेंट्स, आउटवर्ड। तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड एंड डॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या सिंबल है, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी किसी इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या रखे स्टूडेंट्स, किसी चार्ज पार्टिकल को सपोज कीजिए वो चार्ज पार्टिकल क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे रखा गया क्यू, क्या रखा गया स्टूडेंट्स क्यू, और इसको एक रफ्तार दे दिया गया, किसने स्टूडेंट्स कितना दिया गया रफ्तार वी। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किसी चार्ज को रखा और उसको कितने की स्पीड से मूव करा दिया वी से, तो जैसे ही इसको वी से मूव कराया गया तो इस पे एक फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, ऐसा करने से उस पर क्या लगेगा स्टूडेंट्स, फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी इंटू बी, कितना फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स क्यू वी बी, कितना फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स क्यू वी बी। क्यू का मतलब चार्ज, वी का मतलब स्पीड, एंड बी का मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड, एंड एफ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स फाइंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स वैल्यू कितना होगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, जानते हैं फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, एंड बी का यूनिट हमें क्या करना है निकालना है। तो लिखा गया बी इक्वल टू लिखा गया न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय कूलम मीटर। क्या बोला गया स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय कूलम मीटर। इस न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर को बोला जाता है स्टूडेंट्स टेस्ला। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स टेस्ला। इसका होता है स्टूडेंट्स हमारा यूनिट आया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का कितना यूनिट आया स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, इसे बोला गया टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कितना होता है स्टूडेंट्स टेस्ला। ओके स्टूडेंट्स इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।